कैसे प्रत्याहार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, फिर वाज अवेयर होता है, वी वन होता है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये नियम है जब पैसिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर चला आता है, वाज और वेयर में से एक होता है, फिर बीइंग होता है, फिर बी थ्री, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। ये देखिए लिखा है सेंटेंस, उदाहरण के लिए सब्जेक्ट है ही, वाज वेयर में से वाज, बी वन है सॉल्विंग, ऑब्जेक्ट है क्वेश्चंस और ये रिमेनिंग वर्ड्स, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस चूंकि प्लूरल है इसलिए वेयर, तो वन आउट ऑफ वाज वेयर वेयर, ये हो गया बीइंग, ये बी थ्री हो गया सॉल्व्ड, ये हो गया बाई, सब्जेक्ट है हिम, और जो शेष शब्द है वैसे उतार लेते हैं। ऐसे दूसरा एक बार कहूँ लिखा देखिए, राधा वाज टीचिंग म्यूजिक टू द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसका स्टूडेंट्स भी है म्यूजिक भी है, दोनों इधर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को लाया, तो स्टूडेंट्स चूंकि बहुवचन है इसलिए वेयर, तो ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, वाज वेयर में से वेयर, अब लिखेंगे क्या, बीइंग, बीइंग के बाद बी थ्री टीच का थर्ड फॉर्म टाट, फिर बाई, सब्जेक्ट है राधा, और जो बचता है उसको उतार लेते हैं। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए ये जो आपका नियम लिखा है ये, इसी में आपको नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, ये हो गया नॉट। जैसे उदाहरण में लिख के आपको दिखाता हूं, गीता वाज नॉट फ्राइंग एन एग। दिस सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस, लुक एट द बोर्ड, सब्जेक्ट आपका गीता, वाज बियर में से वाज, ये हो गया नॉट, फर्स्ट फॉर्म फ्राई, आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट आपका एन एग। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा एन एग, वाज बियर में से वाज, नॉट बीइंग, थर्ड फॉर फ्राई का वो पता होगा फ्राइड, बाई, सब्जेक्ट इसका है गीता, तो ये चलाएगा इधर और ये आपका बन जाएगा पैसिव। इसी तरह एक उदाहरण और ले लेते हैं, आई वाज नॉट चीटिंग देम, एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, देम को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा दे, वाज बेयर में से बेयर, नॉट बींग, थर्ड फॉर्म ऑफ चीट चीटेड, बाय एंड सब्जेक्ट इज आई, दिस विल चेंज इनटू मी, इसको हम मी में बदल देंगे आई को। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं।